तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक दिन बिताने वाला हूँ एक रैपिडो बॉय की तरह। जी हाँ, आज मैं काम करूंगा एक रैपिडो बॉय का, ये जानने के लिए कि एक रैपिडो बॉय की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उसे दिन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें उसको आएंगी पूरे दिन के सफर में। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि एक रैपिडो बॉय एक दिन में कितनी कमाई कर सकता है। और यहाँ पे मैं बिना एक्सपीरियंस का बंदा हूँ, तो ये भी पता चलेगा कि अगर एक बिना एक्सपीरियंस का बंदा रैपिडो बॉय का काम करता है तो वो एक दिन में कितने कमाएगा। ड्यूटी पर जाने से पहले हमारी बाइक की रेंज थी 105, ऑडोमीटर है 365 पे और ट्रिप है मैंने कर दिया है 0। जय श्री गणेश। और ये हो गया ऑन। तो अभी मैं जहाँ लखनऊ की तरफ, उम्मीद है वहाँ पे ऑर्डर हमें मिलेंगे, और अगर बीच रास्ते में ऑर्डर मिल गए तो भाई बल्ले ही बल्ले। तो मैं कई किलोमीटर चलता गया ये सोच के कि मुझे रास्ते में कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने अभी तक एक ऑप्शन को ऑन ही नहीं किया था। ये थी मेरी दिन की पहली गलती। भाई साहब, मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि शायद ये ऑप्शन बंद था, इस वजह से मुझे कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। अभी अभी मैंने ये ऑप्शन ऑन किया है। अभी मैंने अपना फैसला चेंज किया है। अभी मैं जाने वाला गोमती नगर। मैं गोमती नगर जाते हुए पूरे रास्ते सिर्फ यही सोचता रहा कि भाई अब तो एक राइड मिल जाए, अब एक राइड मिल जाए। साथ ही नर्वसनेस का लेवल भी बहुत ज्यादा था। तो अभी मैं गोमती नगर के हुसलिया चौराहे पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे रेडवे आइकन आ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इस एरिया में तुम पहुंच जाओ 11:45 से पहले तो आपको ज्यादा कमाई होगी। बिल्कुल पबजी जैसा सीन है कि भाई जल्दी भागो, वहां से ऑर्डर उठाओ, आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन भाई मेरे पास अभी आई थिंक वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है, तो अभी मैं यहीं पे वेट करता हूँ। 20 minutes later। भाई साहब, मैं 25 मिनट से यहाँ पे खड़ा, कोई ऑर्डर नहीं आया, फिर से प्लान चेंज करना होगा। अभी मैं जा रहा हूँ जनेश्वर पार्क। पार्क में लोग घूमने आते हैं तो उनको शायद घर जाना होगा, घर जाने के लिए या फिर बुक करना होगा, वहाँ पे भी खड़े होते हैं 20 मिनट। मैं रास्ते में एक ओला का पीछा करते हुए जा ही रहा था कि मुझे आया एक कॉल रैपिडो की तरफ से, जो कि था मेरा पहला ऑर्डर। एक ऑर्डर आया है, मैं राइड एक्सेप्ट करता हूँ। तो उस टाइम पे राइड एक्सेप्ट करने के बाद दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, इतना ब्लैंक हो गया कि ये सिंपल सा मैप अब IAS के पेपर से भी ज्यादा मुश्किल लगने लगा। 800 मीटर की डिस्टेंस थी मेरे और मेरे कस्टमर के बीच, लेकिन मैंने ये 800 मीटर की डिस्टेंस को 3.5 किलोमीटर लगा के कवर किया। जी हाँ, आगे कुछ ऐसा ही हुआ। हेलो, कहाँ भाई, कहाँ पे खड़े हैं आप इस समय? सर, कावेरी अपार्टमेंट। अच्छा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, पुल पे चढ़ जाता हूँ। जी नहीं, मुझे पुल पे नहीं चढ़ना था, पुल के बगल से एक रास्ता गई है उस पे जाना था। अरे 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 अरे, उल्टा हो गया है। आपको जो सामने पिंक कलर का पुलिस बूथ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मैं खड़ा था सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे था, और उस बूथ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे कस्टमर थे, लेकिन नहीं, मुझे उसके बगल की रोड दिखी ही नहीं जो कि उस बूथ के बगल से गई है, और मुझे वहीं पर जाना था। अभी देखना आप लोग। हेलो, सर वो ट्रैफिक में है ना, थोड़ा सा इसलिए लेट हो रहा है। यहाँ पे मैम को बोलना पड़ा कि मैं ट्रैफिक में हूँ, जबकि मुझे तो रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरी तरीके से भटक गया था, बस इधर उधर टहल रहा था और मैप में रास्ता समझने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं किसी तरह मैप देख देख के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता रहा। मैं पहुंचने वाला हूँ। मुझे सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था, जो कि बस सीधा रास्ता था। और भाई साहब, वो देखो जो आपको सामने पिंक कलर की चौकी दिखी ना, ये वही चौकी है जिसकी डिस्टेंस मेरे से 50 मीटर की दूरी थी और मैंने इसको 3 किलोमीटर में कवर किया। KFC और डोमिनोज दिख रहा है यहाँ पे, देख लिया मैंने। भूल भटक के और किसी भी तरह से मैं अपने पहले कस्टमर के पास पहुंच गया। हो,
लेकिन अभी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पे एक और दिक्कत है, जो हमारे कस्टमर थे वो उस जगह पे नहीं खड़े थे जहाँ से राइड बुक करी गई, जिस वजह से यहाँ पे राइड स्टार्ट करने का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आ रहा था। स्टार्ट राइड एक मिनट, हाँ आ गया आ गया आ गया। 4613 ओके मैम। A few moments later. Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Bankroll. Euro. Peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? भाई यहाँ पे हमें एक और राइड मिल चुकी है, लेकिन हमारा जो गोपो है वो खत्म हो गया है। आई थिंक काम हो जाएगा। गो टू पिकअप, आगे जाना यार। भाई लगातार दूसरा ऑर्डर, दूसरे कस्टमर से बात हो गई, उन्होंने बोला यहाँ पे बस आ ही रहे हैं कुछ ही मिनट में, तब तक मैं उनका वेट करता हूँ। यार फाइनली यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। फाइनली एक दिन में 2 राइड कंप्लीट। तो अभी इसके अंदर से 45 क्लेम बची है, सोचा उसे चार्ज कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, खा पी लूँ, उसके बाद अगली राइड स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पास चार्जिंग स्टेशन कौन सा है। अरे वाह, 1.8 किलोमीटर में हमें सत्यम टायर्स जानकीपुरम का एक चार्जिंग स्टेशन मिल गया है। तो मैं जब पहले चार्जिंग स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे स्कूटर को चार्ज में लगाया, आधा घंटा रुका, और आधे घंटे बाद पता लगा कि ये वाला चार्जर वर्क ही नहीं कर रहा, हमारी स्कूटी चार्ज भी चार्ज नहीं हुई। तो अगला चार्जिंग स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर करीब दिखा रहा, जल्दी पहुँचना होगा इससे पहले कोई दूसरा पहुँच जाए। फिर मैं फटाफट दूसरे चार्जिंग स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे अपनी गाड़ी को चार्ज में लगाया। 2:26 हो रहे थे, गाड़ी में 48% बैटरी थी। अब देखना ये था कि 1 घंटे में हमारी ये गाड़ी कितने किलोमीटर या फिर कितने परसेंट तक चार्ज होगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे स्कूटी को चार्जिंग पे लगा दिया, वहाँ पे चार्ज हो रही है। अब थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पास की दुकान से जूस पिया और टिक्की खा, और भाई टिक्की का स्वाद बड़ा ही जबरदस्त है, और स्वाद से याद आया कि हमारे देश का स्वाद कितना अनमोल है। भाई यहाँ पे हर एक स्टेट की अपनी स्पेशल डिश है, जैसे कि महाराष्ट्र के वड़ा पाव, गुजरात के ढोकले, दिल्ली के छोले भटूरे, और बिहार का लिट्टी चोखा। ओए होए भाई, याद करके मुझे पानी आ गया ना। भाई पेट पूजा करने का मन तो कर रहा है, लेकिन भाई डर इस बात का है कहीं हमारी बॉडी को बाहर ना बन जाए। तो काश एक ऐसा ऐप होता जो कि हमारे फिट रहने के लिए हमें फ्री में रिवॉर्ड देता, तो क्या ये सच हो सकता है? जी हाँ, ये सच है। ग्रोफिट लाया इंडिया फिटेस्ट चैलेंज, जिसमें इंडिया के सारे स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए तक के असोर्ड रिवॉर्ड के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक, एप्पल वॉच, मैकबुक, प्लेस्टेशन 5 और बहुत कुछ। और विनिंग स्टेट को मिलेगा 25 लाख का कैश प्राइज वाउचर। तो आइए देखते हैं इंडिया फिटेस्ट स्टेट चैलेंज को, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ग्रोफिट ऐप को अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, यहाँ पे मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर से साइन अप करना है, और हाँ मेरा रेफरल कोड जो स्क्रीन में दिया गया है यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। साइन अप के बाद चैलेंज सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको दिखेगा इंडिया फिटेस्ट स्टेट चैलेंज। फिर यहाँ पे अपने स्टेट टीम को सिलेक्ट करके ज्वाइन नाउ पर टैप करना है। तो भाई देख इस बात के अपने स्टेट को सपोर्ट करो, उसे फिटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनाओ। डिस्क्रिप्शन में चैलेंज की सारी डिटेल्स दी गई है। इसी के साथ जय हिंद जय उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को सपोर्ट कर रहा हूँ। 1 घंटे 10 मिनट में हमारी स्कूटी 48 से 91 तक गई। भाई मुझे लग रहा है चार्जिंग स्पीड काफी स्लो है और तेज होनी चाहिए। तो भाई एक बार फिर से हम लोग होते हैं ऑन ड्यूटी, और इसे भी ऑन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं किसी दूसरे लोकेशन की तरफ, एक और कस्टमर मिल जाए भाई तो मजा आ जाएगा। हम फिर के उसी लोकेशन की तरफ वापस जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला था। बिल्कुल यहाँ पे मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला था। अब यहीं आसपास कहीं रुकते हैं और वेट करते हैं।
भाई साहब यहाँ पे बैठे बैठे मुझे एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, क्यों ना मैं अपने दूसरे मोबाइल से एक रैपिडो राइड बुक करूँ पास वाले जनेश्वर पार्क के लिए और मेरी राइड मेरे मोबाइल पे आएगी या नहीं, चलिए देखते हैं, मजा आएगा। बुक राइड करता हूँ, आइए देखते हैं इसमें आएगी या नहीं। अरे वाह एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता हूँ मैं, वाह तो कुछ ऐसा सीन मेरे में आया है यार। तो यहाँ पे मुझे जानना था कि अगर पास में ही 1-2 किलोमीटर की रेंज में हमें कहीं जाना हो तो हमें कितने रुपए पड़ेंगे रैपिडो की तरफ से, इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोचा। यहाँ पे मेरा ऑर्डर मेरे मोबाइल पर रिसीव हुआ किस्मत से, और कोई आसपास राइडर नहीं था, मैंने प्रोसेस आगे बढ़ाया और फटाफट अपने आप को उस लोकेशन पे छोड़ दिया जो कि मेरे पास में ही थी, और फिर फाइनली अब देखते कितने अमाउंट का बिल बनता है। यहाँ पे अबे 23 रुपए, वाह कलेक्ट कैश, कैश मुझे अपने आप को मिल गए। भाई अपने आप को भी रेटिंग दे दूं, नंबर वन हूँ मैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, और ये रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। ऐसा मुझे एक ऑर्डर आ रहा है, सब करता हूँ। अंजलि मैम है कोई, और गो टू पिकअप लोकेशन पास में ही है। 6935 यहाँ पे मेरे साथ एक सर थे जिनको अपनी स्कूटी लेने घर जाना था, तो वो चल दी मेरे साथ अपने घर की तरफ स्कूटी के लिए, और इन्हीं के साथ ये थी मेरी ऑफिशियली तीसरी राइड। तो यहाँ पे मैंने 3 राइड कंप्लीट करके घर जाने का फैसला लिया कि भाई अब रात बहुत हो गई है, घर जाना चाहिए, लेकिन तभी कॉल राइड मिल चुकी है फाइनली, अब इसके बाद मैं राइड नहीं करूँगा। SBI का हमें ATM दिख रहा है, वाइट कलर की स्कूटी है मेरी, ठीक। हम लोग सवेरे निकले थे और रात हो गई थी, हमने दिन में टोटल 4 राइड ली, लेकिन अब ये जानने का वक्त था कि घर पहुंचते वक्त मेरी एक दिन की कमाई कितनी हुई जब मैंने 6 से 7 या फिर 8 घंटे काम किया, जिसमें 1 घंटे मैंने स्कूटी को चार्ज करने में लगाया। भाई मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने कितने कमाए, और अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता, रास्ते भी पता होते तो मैं कितने कमाता रैपिडो में, वो तो घर जाके एनालिसिस करने पर ही पता लगेगा। हमारी आखिरी राइड भी कंप्लीट हो गई है ये, तो हम लोग कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे घर, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 बज गए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं रेडी फॉर नेक्स्ट राइड कर देता हूँ, और अगर कोई राइड घर जाते वक्त घर के डायरेक्शन में होगी तो उसे ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और ये है हमारे स्कूटर का स्टैट्स घर जाते वक्त। एक दिन काम करते कितना कमाया बताता हूँ, पहले बता रहा हूँ कितना मुश्किल था आज का दिन यार। स्टार्ट में पहले तो पता नहीं था कि कैसे काम करना है, थोड़ा सा समझ में आने लगा, और जो पहली दिक्कत आई मैप को समझने में, मैंने गूगल मैप का इतना यूज़ नहीं किया है और आज करना पड़ रहा था, तो भाई मैप समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये दिक्कत बाद में सॉल्व हो जाती। और एक और दिक्कत थी कि भाई रास्ते पता थे, उतने रास्ते पता थे जितने मैंने खुद से ट्रैवल किए हैं, बाकी अब तो नए रास्तों में जाना था, तो भाई ये भी बहुत दिक्कत आ रही थी। और तीसरी दिक्कत थी कि भाई जब कस्टमर मिलते थे वो हेलमेट लगाने से मना कर देते थे, बहुत मुश्किल से उन्हें लगवाना पड़ रहा था, वो बोल रहे थे भाई यहाँ पे कोई रूल तो है नहीं क्यों लगाएं, मैंने कहा भाई सेफ्टी की बात है, रूल के लिए नहीं, चालान से बचने के लिए नहीं लगाना, हेलमेट लगाना है क्योंकि अपनी सेफ्टी है। और दिन में राइड्स कम मिल रही थी लेकिन रात के टाइम राइड्स
लगातार आने लगी थी, लेकिन अब रात को मेरे को घर लौटना था क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, तो काम सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर से ठंडी भी बहुत लग रही थी, तो भाई इसमें ठंडी तो लगती ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कमाई। तो यहाँ पे मैंने दिन में 5 राइड करी और एक जो मैंने खुद के लिए करी थी, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो पहली राइड में मेरी कमाई हुई 40 रुपये, दूसरी राइड में मेरी कमाई हुई लगभग 90 रुपये, तीसरी राइड ढेरी वाली थी, चौथी राइड में 37 रुपये कमाई हुई, पाँचवीं राइड में 45 रुपये और एक और लास्ट में राइड मिल गई थी घर के डायरेक्शन में जिसमें मेरे को 15 रुपये की कमाई हुई और उस दिन मैंने कमाए थे 240 रुपये टोटल। तो ये थी मेरी कमाई एक दिन रैपिडो में काम करके बिना एक्सपीरियंस के। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता, मैं दिन की 6 की बजाय 12 राइड करता तो 500 रुपये के करीब, उससे ज़्यादा राइड करता तो करीब 700 से 800 रुपये मैं कमा लेता रैपिडो से। भाई काम बड़ी मेहनत का है। तो भाई इस तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रैपिडो ड्राइवर की लाइफ को जी के। भाई बहुत मुश्किल था, ऐसे और भी वीडियो देखने हैं। वर्किंग एज ए जोमैटो, वर्किंग एज ए स्विगी, वर्किंग एज ए ओला या फिर और भी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताऊँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अमेजिंग आइडिया के साथ। पता नहीं क्या करेंगे लेकिन कुछ भी करेंगे, मस्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, हमको नहीं करना एक्सपीरियंस, चलो भाई।